नमस्कार साथियों, आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग का एक प्रमुख टॉपिक है जो कि एक प्रमुख न्यूज़पेपर द हिंदू में यह आर्टिकल प्रमुख रूप से छपा था, आइए उस पर बात करते हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो क्या है टॉपिक जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित एक क्लाइमेटोलॉजी जो कि जलवायु विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है। टॉपिक मुख्य रूप से ये था कि कृषि पद्धतियों के लिए कार्बन क्रेडिट आधारित कृषि का महत्व क्या है। अगर एग्रीकल्चर सिस्टम की बात किया जाए तो उसमें कार्बन क्रेडिट आधारित कृषि का क्या महत्व है। असल में भारत सरकार की पहल है यह, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वह बड़े पैमाने पर कार्बन का संग्रहण के रूप में कार्य करता है, जिसके वजह से यदि ऐसे क्षेत्र को एग्रीकल्चर फील्ड में कार्बन क्रेडिट आधारित कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए तो भारतीय कृषि के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। यह मुख्य रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट है वह क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था इसके तहत आया था, ठीक है, अब इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैस को कम करने के उद्देश्य से एवं वित्तीय नवाचार के रूप में कार्बन क्रेडिट की नींव रखी गई थी। एक तरीके से वित्तीय क्षेत्र में भी कैसे जो देश, जो उद्योग, जो व्यक्ति, जो संस्था कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में कार्य करते हैं, यानी कि कार्बन की मात्रा की जो उत्सर्जन क्षमता है उसको कम करने का कार्य करते हैं, तो वह कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। उस संदर्भ में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यह विधि लाया गया था। तो इस प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में, तो आप जानते हैं कि इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे तंत्रों पे बात किया गया है, सिस्टम पे बात किया गया है। आप देखेंगे कि एनेक्स फर्स्ट के कंट्री, एनेक्स सेकंड के कंट्री, ऐसे देश जो विकसित हैं, जो कार्बन उत्सर्जन की दर को निरंतर बढ़ा रहे हैं, और ऐसे देश जो विकासशील हैं और कार्बन उत्सर्जन की दर को कम कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को जो कार्बन उत्सर्जन की दर को कम करते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है, जो कि यह व्यवस्था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही लाया गया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तमाम सारे कार्यक्रम हैं, जैसे स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएम। इसके तहत एक विकसित देश किसी विकासशील देश में ग्रीन हाउस गैस कटौती परियोजना को प्रायोजित कर सकता है, जहां ग्रीन हाउस गैस कटौती परियोजना गतिविधियों की लागत आमतौर पर बहुत कम होती है लेकिन वायुमंडलीय प्रभाव वैश्विक रूप से समतुल्य होता है। तो इस प्रकार जो आपको हमने बताया कि विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो एनेक्स फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, यदि अपने उत्सर्जनों में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर ऐसा ही करते हैं तो कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि विकासशील देश को पूंजी निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकी या भूमि उपयोग में लाभकारी परिवर्तन प्राप्त होता है। इसका मायने क्या है? असल में इसका मायने यह है कि यदि विकासशील कंट्री हैं और कार्बन उत्सर्जन दर को कम किए हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं, उन देशों में
स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करेंगे, पूंजी का निवेश करेंगे और उस देश के संदर्भ में एक विकास की क्या रूपरेखा हो सकती है उसे तैयार करेंगे। यह पूरी विचारधारा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत था। अब हमने कार्बन क्रेडिट की बात आपको बताया पूरी तरीके से कि कार्बन क्रेडिट एक तरीके से यह कैप एंड ट्रेड का एक सिस्टम है जहां सरकारें कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री फर्स्ट है, ये इंडस्ट्री सेकंड है, अगर इनकी दर 10% है, इनकी दर 8% है, तो आप देखते हैं कि जिसकी दर कम है ऐसे इंडस्ट्री को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्था को कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। ठीक है, यह बताने का कार्य किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार यह रहा कार्बन क्रेडिट की विचारधारा। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन क्रेडिट का एक इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ये देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का एक फैक्ट है, जलवायु परिवर्तन में कमी की यदि बात किया जाए, तो कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक, उसके साथ साथ देखिए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए तो यह प्रतिबद्ध है ही, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक प्रोत्साहन, क्योंकि आप कार्बन क्रेडिट जैसे पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेरिस समझौते में ऐसा विचारधारा, ऐसा स्वरूप, जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो फैक्टर हैं उसके संदर्भ में कार्य किया गया था। इसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट का महत्व यह भी है कि सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंध पर, जो सतत विकास को वित्त पोषित करना है, कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सतत प्रथाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण एवं अनुकूलता को बढ़ावा देने वाली अन्य पहलों में भी कार्बन क्रेडिट का एक विशेष महत्व है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ आर्थिक अवसर, देखिए आज का पूरी टॉपिक आर्थिक अवसर पे ही निर्भर है। रीजन क्या है? नीति आयोग ने फैक्टर बनाया है कि यदि हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में कार्बन क्रेडिट जैसे व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं तो उससे एक लोगों के अंदर आर्थिक अवसर का निर्माण होगा। ठीक है, हमारे किसान, हमारी कृषि व्यवस्था मजबूत होगी। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे बात करते हैं कि कृषि में कार्बन क्रेडिट की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए किसानों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, जो कि आपको हमने बताया, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार भारतीय कृषि देश के सकल उत्सर्जन में जो देश का जीडीपी है उत्सर्जन में 13% का योगदान देता है और उत्सर्जन को कम करने या कार्बन सिक्वेटेंशन यानी कार्बन अवशोषण व संग्रहण के रूप में बढ़ावा देने का कार्य भी करता है, उसको कम करने का कार्य भी करता है, यानी संग्रहण को कम करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार अगर बात किया जाए तो ऐसी प्रथाएं, जो कार्बन क्रेडिट से संदर्भ में बात हो रही है, ऐसी प्रथाओं को अपनाकर किसान कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकता है और उसे आर्थिक अवसर मिल सकता है, यानी कि कृषि व्यवस्था भी मजबूत होगी, किसान भी मजबूत हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा भी मिलेगा, जो पर्यावरण के अनुकूल एग्रीकल्चर फील्ड है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इस कार्यक्रमों के माध्यम से। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक निकल कर आता है तो वह यह है जैविक कृषि, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ विषय। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जैविक कृषि है, कृषि की वह विधि जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का
अप्रयोग या उसका न्यूनतम प्रयोग ठीक है किया जाता है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरित खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक कृषि है। तो यहां एक पहलू यह भी है, इस कार्बन क्रेडिट के माध्यम से जैविक कृषि जैसी फील्ड को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था जैविक कृषि के संदर्भ में, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में, उसका क्या महत्व हो सकता है, हमने सारे पहलुओं पे चर्चा किया और मुझे आशा है कि आप इसको समझेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। जय हिंद।